आज हम लोग क्लास 11 पाठ त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखिए, जो क्लास 10 में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता था, है ना, त्रिकोणमितीय ये जो अनुपात हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक और कॉट एक्स। अब हम लोग यहाँ पर इसको एज ए फलन पढ़ेंगे, ठीक ना। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर टेन एक्स, एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स, एफ एक्स बराबर सेक एक्स, और ये अंत टेन का ये कॉट एक्स, ठीक ना। तो हम लोग आगे इसके प्रांत और परिसर के बारे में भी देखेंगे, ठीक ना। तो प्रांत और परिसर देखेंगे और सभी का ग्राफ देखेंगे, ठीक ना। तो ग्राफ साइन कॉस सबका किस प्रकार का ग्राफ जाता है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इनके मानों को देख लेते हैं, इन छह त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे, अब इनका ज़रा मान देख लेते हैं क्या चीज़ हुआ करता था। तो देखिए, इसमें हम यहाँ टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक ना, और ये 90 डिग्री हो गया। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर हम लोग एक 180 डिग्री भी लेंगे और 270 डिग्री लेंगे। ये हमने ये 90 डिग्री तक देखा है, 180 और 270 को भी हम लोग देखेंगे इसका मान क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये हमने डिग्री में लिखा है, अब हम इसको रेडियन में लिख लेंगे, क्योंकि अब हम लोग फलन लिख रहे हैं, ठीक ना। सबका फलन हो गया, तो अब हम लोग ये डिग्री में नहीं, अब हम लोग इसको रेडियन में देखेंगे। तो ये क्या, देखिए पाई बाई 3 क्या होता है, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ये पाई और ये 3π/2 हो गया। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री बराबर ये 0 डिग्री, 30 पर 1/2, 45 पर 1/2, 60 पर 3/3, 90 पर 1 होता है, ठीक ना। अभी हम लोग 180 और 270 का ज्ञात करेंगे, तो फिर हम इसका मान रखेंगे। कॉस का होगा, देखिए इसका जस्ट उल्टा लिखते हैं, इसके पहले के इंट्रोडक्शन में भी हमने बताया था 3.1 में, तो हम यहाँ पर पहले इसका सबको लिख ले रहे हैं। हमको यहाँ 180 और 270 का मान बताना है, तो हम पहले इसको लिख ले रहे हैं, फिर इसका हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम बताएंगे। 1/3/2 हो गया, ये 1/2, 1/2 और ये 0। फिर 10 0 का मान, 10 0 डिग्री का मान, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 0 1/3, 1/3 और ये अपरिभाषित होता है। फिर इसके नीचे देखिए 10x हो गया, अब लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक का लिख लेते हैं, तो कॉसेक एक्स, ठीक ना। यहाँ एक्स क्या है, यहाँ ना डिग्री एक थीटा है, कोण है कोई एक्स, ठीक ना, इसको थीटा से भी लिख सकते हैं। तो कॉसेक का क्या होगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये अपरिभाषित, ठीक ना। 0 का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कॉस से होता है, तो इस प्रकार 0 का 1/0 लिखते हैं, 1/0 बराबर है ना अपरिभाषित होता है। इसी प्रकार 1/2 का ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2/3 हो गया, 1 का 1 रहेगा। फिर सेक का लिखेंगे तो जगह 1 2/3, इसको हम उलट के यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 2 ये अपरिभाषित। फिर ये कॉट का हो गया, कॉट एक्स बराबर
ऑट का क्या हो जाएगा, 10 का व्युत्क्रम, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित करणी 3 एक, और ये 1/ करणी 3 और अपरिभाषित का शून्य होगा, ठीक ना। यहाँ तक तुमने पढ़ा है। अब देखिए हम एक यहाँ पर एक देखिए ये ले रहे हैं हम एक वृत्त, ठीक ना, जिसकी त्रिज्या एक इकाई हो, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। देखिए ये एक इकाई है ना, त्रिज्या इसकी एक इकाई है, तो अगर हम पहले देखिए एक इकाई है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, है ना, ये एक इकाई लिया है, एक एक इकाई का है, तो त्रिज्या तो चारों तरफ एक एक हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1 और 0, है ना, इस बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं बस, तो 1 और 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर अगर ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर वाई का वाई है मगर यक्स का मान 0 है, तो 0 और वाई का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई है तो 1 लिख लिए, ठीक ना। इसी प्रकार इस बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करें हम तो ये हो जाएगा यक्स पर -1 और वाई पर 0 है ये, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर यक्स का मान 0 है, वाई का मान -1 है, तो लिखेंगे 0 और -1 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार चार बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए अगर हम कुछ धनात्मक कोण के साथ, देखिए ये धनात्मक कोण है, हम घड़ी की विपरीत दिशा में ले रहे हैं तो धनात्मक है, तो ये यक्स ले लिया, है ना, कोई कोण ले लिया, तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिए निर्देशांक आर कॉस थीटा होता है ना, ये यक्स निर्देशांक हुआ। इसी प्रकार आर साइन थीटा अगर हम ले लें, सॉरी थीटा नहीं लेंगे, यहाँ पर यक्स है तो यक्स लेंगे, यक्स हो गया और ये यक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये एक इकाई त्रिज्या है तो R का मान 1 रख देंगे, तो 1 तो इस प्रकार ये R का लिखने का जरूरत नहीं पड़ता हमको, ठीक ना। तो इस प्रकार हम हमेशा cos x और sin x लिखते हैं। अब देखिए अगर थीटा कोण, थीटा एंगल पर है ना, ये यहाँ पर है तो cos x और sin x है, ठीक ना, इसका मतलब x निर्देशांक cos को का मान देता है, y निर्देशांक sin x को का मान देता है। अब देखिए अगर यहाँ पर बात करें यक्स अक्ष पर, तो देखिए ये है cos x का मान और ये है sin x का मान, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम cos x बराबर यहाँ 1 आया है, 1 मान है, तो मतलब यहाँ पर देखिए क्या ये क्या है, x का मान यहाँ पर 0 है, ये 0 डिग्री है, 0 है, ये पाई बाई 2 है और ये पाई है और ये 3π/2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, तो अगर हम यहाँ पे लिख दें तो देखिए cos 0 बराबर ये 1 आया, फिर sin 0 बराबर ये क्या है 0 है, तो 0 लिख लिया, तो इससे हमको देखिए cos 0 1 और sin 0 का मान 0 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी ठीक है, cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान ये 0 होता है, ठीक ना। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो गया, देखिए ये है cos पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2, ठीक ना, यही मतलब हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री पर है, तो देखिए cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, तो इससे हमको मान ज्ञात हो गया। तो देखिए cos 90 0 है, ठीक ना, ये 0 हो गया, sin 90 1 है, तो ये 1 है, ठीक ना। तो इसे हम यहाँ पर अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 बराबर 0 और sin पाई बाय 2 का मान ये 1 प्राप्त होता है, ठीक ना, तो ये आ गया। अब देखिए अगर इस बिंदु की बात करें मतलब पाई पर, तो पाई पर cos और sin की वैल्यू क्या होती है ये हमको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यक्ष निर्देशांक है, तो x निर्देशांक cos के मान को देता है, y निर्देशांक sin x के मान को देता है, तो इसका देखिए ये है हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos पाई, ठीक ना, cos पाई है और ये sin पाई है, यही मतलब हुआ,
ठीक ना। तो कॉस पाई बराबर माइनस एक है, तो इसका मतलब कॉस पाई का मान हमको माइनस वन प्राप्त हो जाएगा और साइन पाई का मान ये जीरो प्राप्त होता है। तो अब हमको जो चाहिए था वो हम वहाँ लिख लेते हैं। तो कॉस पाई ये है कॉस और पाई, तो मतलब कितना आया है ये माइनस वन आया है, और साइन पाई का मान कितना आया है ये शून्य आया है, तो हमने शून्य लिख लिया वहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए इसी तरह यहाँ पर देखते हैं, तो ये है कॉस थ्री पाई बाई टू का मान कितना है, देखिए शून्य है, और इसी प्रकार साइन थ्री पाई बाई टू दो सत्तर का माइनस वन है। तो अगर यहाँ पर रख लेते हैं हम इसको, तो कॉस सत्तर का मान शून्य है और इसका माइनस वन है, ठीक ना। अगर हमको ये दो प्राप्त हो गए तो हम बाकी भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यदि मुझे टेन ज्ञात करना हो तो मैं लिखूँगा साइन बटे कॉस, ठीक ना, क्योंकि टेन साइन बटे कॉस भी होता है, साइन बटे ये कॉस होता है, तो हम साइन बटे कॉस करेंगे, तो देखिए साइन बटे कॉस, ठीक ना। तो ये लिखा है जीरो बटे माइनस वन, तो जीरो के बटे कुछ भी हो इसका उत्तर जीरो ही आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये जीरो हो गया। फिर लिखा है, अब देखिए यहाँ पर माइनस एक बटे शून्य है ना, साइन बटे कॉस कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस एक बटे शून्य, तो अगर जीरो बटे में चला गया तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, तो इस प्रकार ये अपरिभाषित आ गया। अब हमको कौशिक चाहिए, ठीक ना, तो कौशिक चाहिए तो हम साइन का व्युत्क्रम कर लेंगे, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है। तो देखिए ये जीरो है तो जीरो का व्युत्क्रम मतलब एक बटे जीरो, तो एक बटे जीरो मतलब अपरिभाषित हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पर माइनस वन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, तो माइनस वन का व्युत्क्रम माइनस वन ही हो जाएगा, तो ये हो गया। अब सेक का मान ज्ञात करना हो तो कॉस का उल्टा करके चलेंगे, तो देखिए माइनस वन का व्युत्क्रम माइनस वन और जीरो का व्युत्क्रम अपरिभाषित। इसी प्रकार कॉट का टेन को देखेंगे, जीरो का व्युत्क्रम अपरिभाषित और अपरिभाषित का व्युत्क्रम शून्य। तो इस प्रकार हमको 180 और 270 का मान हमको प्राप्त हो गया। देखिए इस टेबल को, इस ग्राफ को बढ़िया से याद किए रहेगा, तो जिससे हमको साइन और कॉस का पाई के मान याद रहेगा, ठीक ना, और 270 पर, क्योंकि ज़्यादातर हमको अक्सर हमको पूछा जाएगा ये, तो बार बार इस तरह मान ज्ञात करने से अच्छा आप इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। तो ये जीरो और पाई बाई टू पर तो याद था, पाई पर देखिए और थ्री पाई बाई टू पर साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, अब इसमें इससे इजी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए अगर इसका एक निष्कर्ष निकालें, तो देखिए इसमें यक्ष अक्ष पर, ठीक ना, यक्ष अक्ष पर साइन यक्ष का मान जीरो है, ठीक ना। तो यक्ष अक्ष पर जो भी एंगल आएंगे, देखिए यहाँ भी साइन का मान जीरो है, यहाँ भी साइन का मान जीरो है, ठीक ना। वाई निर्देशांक है तो वाई निर्देशांक साइन एक्स को देता है, तो साइन एक्स का मान यक्स अक्ष पर जीरो है, और कॉस एक्स पर देखिए वाई अक्ष पर कॉस का मान जीरो है, ठीक ना, वाई ये यक्स वाला पद जीरो है, तो ये कॉस को देता है, तो कॉस एक्स का मान जीरो, मतलब यक्स अक्ष पर जो जो एंगल पड़ेंगे, है ना, यक्स अक्ष पर जो भी एंगल पड़ेंगे वो साइन के लिए जीरो रहेंगे, और y अक्ष पर जो एंगल पड़ेंगे वो कॉस के लिए जीरो होंगे। देखिए जैसे मैं बता देता हूँ, देखिए जैसे देखिए अगर इस x अक्ष पर की बात करें तो यहाँ पर हमको जीरो डिग्री प्राप्त हो रहा है, यहाँ पाई प्राप्त हो रहा है 180, फिर यहाँ पर जाएंगे तो टू पाई आएगा, ठीक ना, ये पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई सिक्स फाइव सिक्स सेवन, मतलब ये आएगा साइन का वैल्यू यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर साइन यक्स का मान शून्य होता है, इसका मतलब यक्स का मान हमको यन पाई है ना, यन क्या है, यन है आपका, यन बिलोंग्स टू जेड, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब माइनस में भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक ना, हम लोग तो इस तरह प्लस में ले रहे हैं, इसी प्रकार इधर माइनस में भी लेंगे तो ठीक ना, तो हम इसमें इसलिए यन का वैल्यू पूर्णांक होता है, तो यन जो पाई का यन का मान कुछ भी रखिए, यहाँ पर जीरो रखिए तो, या माइनस वन प्लस वन टू प्लस टू, इस मान पर यक्स के इस मान पर साइन का मान जीरो प्राप्त होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ वन है टू है,
इसी प्रकार y अक्ष पर cos x का मान ये शून्य प्राप्त होगा। तो y अक्ष पर देखिए कौन सा एंगल प्राप्त हो रहा है, जीरो था ठीक है, यहाँ पाई बाई टू है ठीक ना, तो पाई बाई टू फिर थ्री पाई बाई टू, मतलब यहाँ पर देखिए ये कह सकते हैं पाई बाई टू है, एक पाई बाई टू है, फिर यहाँ थ्री पाई बाई टू आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वन है थ्री है तो फाइव हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइव पाई बाई टू ठीक ना, फिर सिक्स सेवन सेवन पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये है विषम ऑड मल्टीपल है ना, विषम गुणज हैं इनके, पाई बाई टू के विषम गुणज हैं ये, तो विषम पाई बाई टू के विषम गुणज पर कॉस का मान हमेशा जीरो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यक्स बराबर लिख सकते हैं, देखिए विषम गुणज ऐसे लिखते हैं 2n प्लस ये 1 बट पाई बाई टू, यहाँ पर n का मान कुछ भी रखेंगे आप तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए n का मान अगर एक रखेंगे तो दो एक कम दो एक तीन, तीन बटे दो आया, जीरो रखेंगे तो पाई बाई टू प्राप्त हो जाएगा ठीक ना। तो इसलिए इस मान पर cos का मान शून्य होता है। देखिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z हो गया ठीक ना, तो इसको हम आगे के चैप्टर थोड़ा सा आगे भी टॉपिक में कवर करेंगे, आप फिलहाल पहले मतलब इसका मान अच्छी तरह से ज्ञात करना सीखिएगा। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए एक नया टॉपिक है जिसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक इकाई एक इकाई का त्रिज्या का वृत्त ले लेते हैं। देखिए एक इकाई है एक इकाई की त्रिज्या है इस वृत्त की, तो इसमें ये रहा यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये वाई डैश। अब यहाँ पर हम एक पॉजिटिव एंगल से बनाता हुआ, ये देखिए पॉजिटिव एंगल हो गया, धनात्मक यक्स ले लेते हैं यक्स, तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस एक्स और साइन एक्स ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका पूरा ये रहा पूरा हमको एक यक्स हो गया ठीक ना, इतना दूरी पर ये यक्स है। अगर मैं यहाँ पर एक पूरा एक राउंड और मारूँ, देखिए जैसे अगर ये पूरा मार देते हैं चक्कर, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो पाई हो गया और फिर यहाँ पर आने के लिए हमको यक्स आगे जाना पड़ेगा ठीक ना, एक पूरा चक्कर और यक्स थीटा आगे ठीक ना, तब हमको ये एक चक्कर मारने के बाद ठीक ना, इस पूरे परिक्रमा मार करने के बाद अगर मैं यहाँ पे फिर अगर आना चाहूँ तो यक्स डिग्री आगे जाना पड़ेगा ठीक ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस, देखिए एक परिक्रमा टू पाई के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं ये कॉस टू पाई प्लस एक्स है ना, एक राउंड मार के वापस जा रहे हैं तो ठीक ना। देखिए यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये यक्स थीटा है, ये पूरा एक्स एक्स ठीक ना, अगर मैं फिर यहाँ पर एक्स एक्स है, अगर मैं यहाँ पर एक पूरा एक चक्कर मार दूँ, देखिए एक पूरा चक्कर ये हो गया टू पाई ठीक ना, तो एक चक्कर मारने पर हमने यहाँ पर यहाँ शुरू किया और यहीं पर प्राप्त हो गए आ गए ठीक ना। अगर मुझे यहाँ पर जाना हो कि एक्स एंगल ये वाला निर्देशांक पर मतलब बिंदु तक अगर पहुँचना हो तो मुझे एक एक्स डिग्री और आगे जाना होगा, इसका मतलब 2 पाई एक पूरा परिक्रमा प्लस एक्स है ना थोड़ा सा आगे, तो मुझे ये फिर बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये साइन भी में भी 2 पाई का वृद्धि हो जाएगा प्लस एक्स ठीक ना। अब चलिए एक राउंड और लगा लेते हैं हम इसमें, तो अगर हम एक राउंड और लगाएंगे तो देखिए ये 2 पाई प्लस एक्स आएगा ठीक ना, पूरा एक परिक्रमा मान लिया फिर एक्स जाने के लिए प्लस एक्स करेंगे तो ये हो गया कॉस 4 पाई प्लस एक्स है ना, दो एक 2 पाई हो गया तो 2 पाई है ना, दो चक्कर पर 4 पाई हो गया, फिर साइन 4 पाई प्लस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका मान भी हमको कॉस एक्स ही आ रहा है, मतलब इतना करने के बाद हमको फिर हम उसी बिंदु पर आ गए हैं जिसका निर्देशांक कॉस एक्स और साइन एक्स है, तो 2 पाई परिक्रमा करें प्लस एक्स पर गए तो हम ये बिंदु ये वाले पहुंच गए, इतना करने के बाद भी फिर यहीं पहुंच गए, फिर देखिए दो राउंड मारने के बाद भी हम यहीं पहुंच गए, इसी बिंदु पर पहुंच गए
और दो राउंड मारने पर पहुंच गए। तो इसका मतलब ये हमको आया कि कॉस 2π प्लस एक्स का बराबर होगा, ये कॉस एक्स के ही बराबर है ये, और साइन 2π प्लस एक्स बराबर ये साइन एक्स के ही बराबर है ये, ठीक ना। चाहे आप कॉस 4π भी लिख लीजिए, बराबर भी कॉस एक्स ही प्राप्त हुआ है, ठीक ना। मतलब अगर इसका मतलब ये हुआ कि 2π का गुणज है ना, 2π कर लें, फिर एक 2π 4π 3π, मतलब 2π का अगर मल्टीपल अगर हमको मिले, ठीक ना, तो गुणज मिले अगर हमको, तो हमको वही मान वही थीटा हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक ना। जैसे हम बता रहे हैं आपको, देखिए कॉस 2π गुणे एक प्लस एक्स है ना, 2π का एक गुण ये 2π है, तो देखिए कॉस एक्स प्राप्त हो रहा है। अगर कॉस अगर दो राउंड मार दिए तो मतलब 2n गुणे 2 कर दिए है ना, दो दूनी चार, ये वाला चार प्राप्त हो गया, तो फिर भी हमको कॉस एक्स ही प्राप्त होगा। अब देखिए कॉस ये हम कॉस के संग बता रहे हैं, ये काम साइन के संग भी होता है, 2π गुणे 3 प्लस एक्स, तो ये जगह कॉस एक्स, मतलब तीन राउंड मार दिए इसका, तो तीन दूनी 6π हो गया, मतलब 2π का अगर गुणज हो अब प्लस एक्स थीटा हो तो हम इसको एज ए जीरो मान सकते हैं। हमको मिला क्या आंसर, कॉस एक्स के बराबर हमको मान मिल गया। तो इसलिए यहाँ एक फॉर्मूला बनता है कॉस 2π प्लस एक्स, अगर ये हो 2π का गुणज हो तो हमको कॉस एक्स ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार साइन अगर 2π हो प्लस एक्स हो तो ये साइन एक्स ही प्राप्त होगा। तो देखिए ये दो फॉर्मूले हैं, इस पर आधारित प्रश्न बनेंगे, तो उनको देखेंगे। अब हम देखेंगे इसके आगे कि किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना, या फलन प्लस में होता है, ठीक ना, कौन धनात्मक होता है कौन ऋणात्मक में होता है, तो उनको देख लेंगे। देखिए लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह है ना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए चिन्ह के लिए पता करने के लिए हम ये करेंगे, एक्स और वाई ये बनाया, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, सॉरी एक्स डैश ये वाई अक्ष ये वाई डैश, और फिर यहाँ पर हम एक सेंटीमीटर एक इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लिया। अब अगर हम यहाँ पर एक बिंदु लें, ठीक ना, अगर हम यहाँ पर एक बिंदु लें तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए पहले चतुर्थांश में देखिए यक्स जो यक्स निर्देशांक है प्लस की तरफ होता है, प्लस 1 2 3 4, वाई में भी प्लस 1 1 2 3 4 होता है, तो मतलब यक्स और वाई दोनों निर्देशांक प्लस प्लस में ही होंगे, ठीक ना। तो हमको देखिए साइन क्या मिला, ये प्लस में मिला, तो इसका कॉसेक इसका व्युत्क्रम भी प्लस में होगा, कॉस देखिए ये भी प्लस में प्राप्त हो रहा है, तो इसका सेक भी प्लस में प्राप्त हो जाएगा। और टेन अगर ज्ञात करना चाहें तो टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, साइन भी प्लस में है कॉस भी प्लस में है, तो टेन प्लस में रहेगा, टेन प्लस में है तो कॉट भी प्लस में रहेगा। तो इस प्रकार देखिए छहों जो फलन हमको हैं वे सभी धनात्मक प्राप्त हो गए, सभी धनात्मक हैं, ठीक। अब देखिए अगर हम इस दूसरे चतुर्थांश में, ये पहला है ये दूसरा चतुर्थांश है, अगर इसमें हम कोई एक बिंदु ले लें तो देखिए उसके निर्देशांक हो जाएंगे कॉस एक्स और साइन एक्स, मगर देखिए यक्स इधर वाला जो ए है इसके जो यक्स अक्ष पर ये ऋणात्मक हैं तो यक्स के जो निर्देशांक है वो ऋण में चले जाएगा, और जो प्लस में है वो तो प्लस में तो है ही,
इस प्रकार हमको देखिए साइन एक्स प्लस में आया तो माइनस, तो कॉसिक भी प्लस में ही आएगा, साइन का व्युत्क्रम प्लस में ही रहेगा, कॉस माइनस में है तो इसका व्युत्क्रम सेक भी माइनस में होगा। और टेन देखेंगे तो टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो जिसमें एक ऋण में है तो टेन भी ऋण में प्राप्त होगा, तो टेन ऋण में है तो कॉट भी ऋण में प्राप्त होगा। इसमें मतलब हुआ कि देखिए साइन और कौशिक को छोड़कर बाकी सभी ऋण में प्राप्त हुए। इसी प्रकार अगर एक बिंदु यहाँ ले लें हम, तो इसके निर्देशांक हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, ये ऋण की तरफ है तो एक्स का मान माइनस में हो जाएगा, वाई भी ऋणात्मक है तो वाई भी ऋण में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको देखिए साइन भी ऋण में प्राप्त हुआ तो कौशिक भी ऋण में प्राप्त हो जाएगा, कॉस ऋण में है तो सेक भी ऋण में प्राप्त हो जाएगा, टेन देखिए होता है साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस करेंगे तो दोनों माइनस कैंसिल तो प्लस में जाएगा, टेन प्लस में हो गया तो कॉट भी प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब इस चतुर्थांश मतलब तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब ऋण में होते हैं। अगर हम इस चतुर्थांश में भी एक बिंदु ले लें तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स, तो इसमें देखिए एक्स वाला प्लस में है तो प्लस में रहेगा, वाई वाला माइनस में है तो माइनस में है ना, वाई निर्देशांक माइनस में रहेगा यहाँ। तो इस प्रकार देखिए माइनस साइन एक्स प्राप्त हुआ तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स भी प्राप्त हो जाएगा, कॉस प्लस में है तो ये भी सेक में प्राप्त हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। और टेन देखिए तो टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है तो एक माइनस है तो इसका माइनस में आंसर आ जाएगा, और माइनस कॉट है ना, टेन माइनस में है तो कॉट भी माइनस में जाएगा। इस प्रकार इसमें कॉस और सेक माइनस में हुआ। तो देखिए अगर इसको समराइज करें तो देखिए हमको इस प्रकार प्राप्त होता है, याद करने के लिए हो जाएगा। देखिए ये चार मतलब बांट लिया चतुर्थांशों में, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं ऑल साइन टेन कॉस, ठीक ना, बस यही हमको याद करना होगा, ऑल साइन टेन कॉस, तो ऑल का मतलब सभी धनात्मक, इसमें साइन धनात्मक लिखा है तो देखिए साइन का व्युत्क्रम तो स्वाभाविक है पता है, वो अगर ये प्लस में है तो वो भी प्लस में आएगा, इसलिए हमने कॉसेक को भी नहीं लिखा है, साइन प्लस में है, टेन प्लस में है, कॉस प्लस में है, तो कॉस है तो सेक भी प्लस में रहेगा, ठीक ना, टेन है तो कॉट भी प्लस में आएगा, हमने केवल याद करने के लिए इतना लिख दिया ऑल साइन टेन कॉस, तो साइन है तो कॉसेक भी प्लस में रहेगा, टेन है तो कॉट भी रहेगा, कॉस है तो सेक भी रहेगा, ठीक ना, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं एक नया टॉपिक है, देखिए यहाँ पर हम लेते हैं एक इकाई सेंटीमीटर त्रिज्या का इकाई, एक इकाई, ठीक ना, एक इकाई की त्रिज्या वाला एक वृत्त लेते हैं, तो इसमें अगर हम एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर देखिए, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक ना, अगर हम यक्स अक्ष कित यक्स डिग्री पर ले रहे हैं तो। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एक लंब ड्रॉ करें तो ये लंब क्या होता है कि ये होता है कि वाई, ये वाई की दूरी बताता है मूल बिंदु से वाई अक्ष पर कितनी दूरी पर है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, लंब ड्रॉ किया है तो ये वाई अक्ष को दिखाता है, ये वाई अक्ष है ना कितनी दूरी पर है, तो देखिए ये एक्स निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक है, तो ये वाई बताता है, ये थे वाई निर्देशांक ही, ये हमारा इतना दूरी है मूल बिंदु से तो वाई है, मतलब हम यहाँ पर साइन एक्स लिखेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से वाई अक्ष पकड़े एक लंब डालें, एक लंब डालें तो ये बताता है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर है, तो ये कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा अच्छे से, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें ये एक त्रिभुज बन गया, अगर हम इतने ही एंगल पर अगर माइनस की तरफ ले लें एक इतने डिग्री पर, ये हो जाएगा तो ये क्या प्राप्त होगा, माइनस एक्स डिग्री, ठीक ना, माइनस की तरफ लिया है, घड़ी की सुई की दिशा में लिया तो माइनस में हो गया,
तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए कॉस माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिखेंगे, साइन माइनस एक्स है, ठीक ना, ये हमको प्राप्त, हमने इसके निर्देशांक लिख दिए, ठीक ना, तो ये निर्देशांक लिखा गया हमसे। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ से देखिए मिलाते हैं, तो थीटा उतनी ही दूरी है जितना ऊपर इतना नीचे, तो यही दूरी ये भी हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना, इतनी दूरी होगी ये भी होगी, तो ये चूंकि यहाँ से ऊपर की तरफ है तो प्लस में है, तो इतना अगर नीचे की तरफ होगा तो माइनस में हो जाएगा, कि माइनस साइन एक्स, ठीक ना। जैसे अगर हम यहाँ मूल बिंदु से यक्ष अक्ष की तरफ दाईं तरफ चलें तो सब प्लस में मान आता है, बाईं तरफ चलें तो सब माइनस में आता है, वाई अक्ष मतलब जीरो से अगर ऊपर की तरफ चलें तो प्लस में आता है, नीचे की तरफ चलें तो माइनस की तरफ माइनस आता है। तो इसी प्रकार ये ऊपर का मान है तो प्लस साइन एक्स है, तो यही दूरी माइनस नीचे की तरफ है तो माइनस एक्स हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए कॉस माइनस एक्स जो आया ये, अब देखिए ये तो माइनस साइन में, मगर ये कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना आधार इस ऊपर वाले त्रिभुज का था उतना ही आधार ही नीचे वाले त्रिभुज का है, तो इसके लिए भी यही कॉस एक्स काम करेगा, ऊपर वाले के लिए भी यही कॉस एक्स काम करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स, और साइन माइनस एक्स बराबर ये माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, ये दो सूत्र बन गए है ना, तो ये काम आएगा।